एक भिखारी कई महीनों से एक बड़ी रेस्टोरेंट के सामने बैठकर भीख मांगता था। पूरे दिन भर सड़कों में बैठकर उसे जो पैसे मिलता था उससे ही किसी तरीके से अपना गुजारा चलाता था। तब एक दिन एक लड़की उस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आई थी। तब उस लड़की ने उस रेस्टोरेंट में कुछ समय तक बैठे रहने के बाद जब बाहर की ओर देखा था, तब उसने देखा कि वो भिखारी अपने पैसे गिन रहा है और ये पैसे सड़कों से जो लोग गुजरे हैं उन्होंने ही उसे दिया था। लेकिन उन सारे पैसों के साथ जब उस भिखारी ने रेस्टोरेंट के अंदर घुसा था, तब उसने देखा था कि उसके पास उतना पैसा नहीं था कि वो अपने लिए कुछ खाना खरीद सके। तब उस लड़की ने उसे कुछ खाना खरीद कर दिया था। वो भिखारी बहुत ज्यादा भूखा था और इसीलिए उस लड़की ने उसे जो भी खाना दिया था वो उसे खाना शुरू कर दिया था। तब जब वो भिखारी जाना चाह रहा था, तब उस लड़की ने उसे अपने साथ बैठने के लिए कही थी। तब ये सब सुनने के बाद वो भिखारी उस टेबल में जाकर बैठ गया था। तब उस भिखारी ने उस लड़की के साथ बातें करने लग गया था। उसने कहा कि किस तरह से वो भिखारी बन गया था। वो जब छोटा था तभी उसकी माँ गुजर गई थी। उसकी सौतेली माँ उसके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार करती थी। उसके माँ उसे इतना मारती थी कि वो सहन ना कर पाकर घर छोड़कर चला गया था। वो इस नरक को छोड़ना चाह रहा था पर किसी ने भी उसे थोड़ा सा भी मदद नहीं किया था। फिर जब बहुत कोशिशों के बावजूद भी उसे काम नहीं मिल रहा था, तब उसने मजबूरन भीख मांगने लगा था। बहुत बार उसने एक नौकरी की कोशिश की थी पर किसी ने भी उसे स्वाभाविक जीवन में लौटने में उसे थोड़ा सा भी मदद नहीं किया था। उसके एक बहुत करीबी दोस्त एक कुत्ता था जो हर वक्त उसके साथ ही रहता था। वो भी एक दिन मर गया था। इतने दिनों में उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके वजह से वो बिल्कुल ही मन टूट चुका है। घर से निकलने के कुछ ही साल बाद उसके पिता की भी मौत हो गई थी, पर उसके साथ उसके पिता का आखिरी बार के लिए मुलाकात भी नहीं हुआ था। तब ये सब सुनकर वो लड़की तो बिल्कुल ही रो पड़ी थी। इसके बाद उस भिखारी ने एक कागज और पेन लेकर कुछ लिखने के बाद वो उस लड़की के हाथों में थमा कर उसे खाना देने के लिए धन्यवाद कहकर चला गया था। और जाते जाते उसने कहा था, मैंने जो आपके साथ ये वक्त बिताया है वो मैं जिंदगी में कभी भी नहीं भूलूंगा। तब जब घर लौटकर उस लड़की ने उस पत्र को खोला था तो उसमें लिखा था, आज मैं मरना चाह रहा था और शायद आत्महत्या कर भी लेता, लेकिन किसी को आपके जैसा इंसान एक बार मिल जाए तो वो जिंदगी की हारी हुई बाजी को भी जीत जाए। तब ये पत्र पढ़कर वो लड़की बिल्कुल ही रो पड़ी थी। कभी कभार कोई छोटी सी मदद किसी इंसान की दिन ही नहीं बल्कि जिंदगी बदल सकता है। और इसीलिए आप भी अपने अंतरात्मा को जगाएं और आपसे जितना हो सके असहाय लोगों का मदद करें। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट पे बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लीजिए, या फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलता रहे।